इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मऊ जनपद में इंदिरा गांधी की केवल एक ही मूर्ति है जिसका माल्यार्पण किया जा रहा है राजमंगल यादव जी और कांग्रेस के अन्य नेताओं के द्वारा। ये घोसी में सिर्फ एक मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर कांग्रेस जनों की कांग्रेसियों की काफी भीड़ लगी हुई है जहाँ पर आप देख सकते हैं। इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जय कांग्रेस पार्टी, लड़े चलो, लड़े चलो, लड़े चलो, कांग्रेस पार्टी बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे। स्वागत आपका हमारी न संदेश में। और आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के घोसी विधानसभा क्षेत्र में हैं जहां आप देख सकते हैं कि कांग्रेस जनों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है। इंदिरा गांधी की मूर्ति का माल्यार्पण करने के बाद इन लोगों ने पदयात्रा करने का निर्णय लिया है। अब इनको पदयात्रा करना है। इस पदयात्रा के दौरान हम कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी घोसी के राजमंगल यादव जी से कुछ बातचीत करना चाहते हैं। देखा जा रहा है इस समय कांग्रेस पार्टी काफ़ी एक्टिव यहाँ दिख रही है घोसी विधानसभा क्षेत्र में, बाकी और जगहों के हिसाब से। जी, घोसी में जो उपचुनाव हुआ था इसके वजह से आज घोसी के धरातल पर कांग्रेस पार्टी बहुत बखूबी लड़ते हुए दिख रही है मुस्तैदी से। आज प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान आज कल्याणपुर से जो प्रतिज्ञा यात्रा निकली है आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देशन में, वो इंदिरा गांधी की एकमात्र मूर्ति है जनपद में, आयरन लेडी की एकमात्र मूर्ति है कल्याणपुर में। यहीं से माल्यार्पण करके हाजीपुर होते हुए दर्जनों गांवों को टच करते हुए यह पदयात्रा पिलौर मोड़ बाजार में सभा करके समाप्त की जाएगी। इसमें तमाम हमारे नेता जिले से लेकर के प्रदेश स्तर के आदरणीय ओम प्रकाश ठाकुर जी, आदरणीय ब्रह्मानंद पांडे जी, आदरणीय इंतखाब आलम जी जिला अध्यक्ष और तमाम नेता इसमें आए हुए हैं और पर्यवेक्षक भी आए हुए हैं देखने के लिए। यह दमखम की लड़ाई है कांग्रेस पार्टी की। अब हम कांग्रेस के लोग निकल चुके हैं सड़कों पर लोगों के महंगाई के मुद्दे को लेकर के लगातार संघर्ष करते रहेंगे और जब तक हम लोग अपने नेता प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार नहीं बना लेंगे हम कांग्रेस के लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। जय हिंद। ये प्रतिज्ञा यात्रा जो आपने बताया, किस तरह की, कौन सी प्रतिज्ञा आपने लिया है, ये प्रतिज्ञा कैसी आपने लिया है, किस तरह की प्रतिज्ञा है? हम लोग महंगाई के खिलाफ प्रतिज्ञा लिए हैं। हमारे नेता ने प्रतिज्ञा लिया है कि हम महिलाओं को 40% टिकट का आरक्षण देंगे, छात्राओं को स्मार्ट स्कूटी देंगे और किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। 10 लाख तक का जो उनका जो है जो मूल इलाज होता था जो 5 लाख तक का मिलता था उसे 10 लाख तक बढ़ा करके किया गया है और कोरोना समय का जितने बिजली बिल बाकी होंगे वो पूरा बिजली बिल समाप्त कर दिया जाएगा अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो। और इसी तरह से आंगनबाड़ी जो हमारी बहने हैं आंगनबाड़ी में उनका मानदेय कम मिलता है उसको बढ़ा करके हम लोग 10,000 करने जा रहे हैं अगर हमारी सरकार बनी हमारी नेता के नेतृत्व में तो। एक अंतिम और बड़ा खास सवाल है, अगर घोसी विधानसभा क्षेत्र से देखा जाए तो क्या लगता है कि किसको आपकी लड़ाई किस तरह की, अगर सुधाकर सिंह और अब्बास अंसारी को अगर टिकट मिल जाए सपा से तो क्या लगता है आपको कि इनसे लड़ाई रहेगी या कि किस तरह अब्बास में और अपने में अगर तुलना आप करें तो कौन हावी पड़ेगा? ये तो आप खुद जानते हैं, आप हमारे मित्र हैं, ये जानते हैं, आपने कवरेज भी किया है मेरे चुनाव में, पिछले जो उपचुनाव में लड़ा था घोसी से हमारे नेता ने हमारे पर विश्वास किया था, आपने बखूबी कवरेज किया था, देखे होंगे मेरे संघर्ष को और वह संघर्ष लगातार 3 सालों से रुका नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि अब्बास अंसारी या किसी के भी नाम लेते हैं आप, वो लोग कहां रहते हैं जब जनता के सुख दुख की बात होती है, उनके घर मरण जीवन का काम होता है, उनके थाने डखाने की बात होती है, तब कहां रहते हैं? जाति धर्म के नाम पर अगर लूटना चाहते हैं घोसी को तो ये नहीं होने देंगे। अब हम जनता के बीच में हैं, जनता की आम जमीन भूत जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उसके के लिए हम कांग्रेस के लोग डेली थाने से डखाने जिला कार्यालय तक लड़ रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम लोग प्रियंका जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। ठीक है, उनके पिता जो है मुख्तार अंसारी 25 सालों से विधायक है सदर विधानसभा से, वहीं अभी अब्बास अंसारी भी जब लड़े थे घोसी विधानसभा में काफी मजबूती से लड़े थे, चुनौतीपूर्ण नहीं होगा क्या ऐसे में आपके अगर उनको टिकट मिल जाता है? देखिए, अब पूरी मऊ की जनता से आप पूछ लीजिए, जिस तरह से त्रासदी झेल रही है मऊ की जनता, आदरणीय विधायक जी लगातार जब से जनप्रतिनिधि बने हैं मऊ के जेल के अंदर हैं,
न किसी के सुख दुख के भागी हो सकते हैं, न किसी निर्माण विकास में भागी हो सकते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि का बनाना कि बिना जनप्रतिनिधि का रहा जाए, जनता अब ये सोच रही है। अब्बास अंसारी तो जेल से बाहर है, लेकिन बाहर हैं, लेकिन उनको भी प्रशासन खोज रहा है। हाँ, घर नहीं है, आप पता कर लीजिएगा, घर नहीं है, घर छोड़ करके फरार है उनका पूरा परिवार। हाँ, पिता की वजह से सब पूरे परिवार, हमारे पर कोई दाग नहीं है, बेदाग छवि व्यक्ति हैं हम, और निश्चित रूप से जनता की सारी सुविधाओं में रहेंगे, सुख दुख में रहेंगे, और उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि जनता इस 2022 के चुनाव में परिवर्तन करने जा रही है। अब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंतखाब आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी तक आपने बहुत सारे लोगों को सुना, अब इनकी भी बातों को जाने, इनके ऊपर भी काफ़ी यातनाएं जिला प्रशासन ने किया है, लेकिन उसके बाद भी आपके बीच में खड़े हैं। देखिए, आज की जो कार्यक्रम है, हमारे सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में पदयात्रा निकाल रहे हैं। ये पदयात्रा हमारा जो है भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ, इसके रूप में हम लोग गाँव गाँव में जा रहे हैं, एक जनसंपर्क भी स्थापित कर रहे हैं, लोगों के दुख सुख को देखना चाहते हैं, हम नज़दीक से उन पर गाँव को भी देखना चाहते हैं कि उनके दैनिक जीवन में क्या तकलीफें हैं। इसी क्रम में आज हम लोगों ने यह पदयात्रा निकाला है और सीधे सीधे नारा दिया है कि भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ। अभी आपने बताया है कि जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों ने निकाला है, क्या मतलब कि प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है? नहीं नहीं, संभावित प्रत्याशी, सभी घोसी का संभावित प्रत्याशी कौन? सभी संभावित प्रत्याशी हमारे यहाँ 14 लोग हैं घोसी से। हाँ, हर जगह विधानसभा में हमारे यहाँ 14 हैं और संभावित सभी मिलाकर 35 से 36 प्रत्याशी हमारे मऊ जनपद में हैं, और सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में बड़े ही कर्मठ और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा है कि पिछली परफॉर्मेंस राजमंगल यादव जी की कैसी थी, तो उस परफॉर्मेंस के आधार पर बाकी और भी जो प्रत्याशी हैं, वो क्या लगता है कौन प्रत्याशी हो सकता है, खास करके घोसी विधानसभा? देखिए, ये पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और पूर्व प्रत्याशी में जो रिकॉर्ड था, पूर्व रिकॉर्डों को तोड़ते हुए जो हमने लगभग 12,000 वोट पाया है, और पूर्व प्रत्याशी को जो सम्मान मिला है, पार्टी इस पर जरूर कुछ न कुछ विचार करेगी, इंतखाब आलम को तो विचार करना है, बाकी लोगों का है, जो क्राइटेरिया बनती है उसी आधार पर कोई भी कोई ना कोई कार्य, सभी प्रत्याशी हैं उसमें जो क्राइटेरिया बनेगा, हम सभी कांग्रेसी चाहे आज जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं सभी उसका स्वागत करेंगे। आपने देखा कि हमारे साथ खास बातचीत में ये लोग मौजूद थे, यहाँ से इनकी पदयात्रा शुरू हो चुकी है, अब इस पदयात्रा को ये लोग लेकर के काफ़ी आगे तक जाएंगे। कांग्रेस ने पूरी दम लगा दी है कि किसी तरीके से भी सरकार को हटाया जाए। अब देखना ये है कि इस उद्देश्य में ये कहाँ तक कामयाब होते हैं और कहाँ तक इनकी जो यात्रा है पहुँच रही है। ये केवल कुछ दूरी की यात्रा तय करते हैं या इनकी यात्रा जो शुरू हुई है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और दिल्ली तक पहुँचेगी। अब हमारे बीच में कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। जी, आपका परिचय? मेरा परिचय है मूलचंद चौहान, उत्तर प्रदेश का पूर्व सेक्रेटरी हूं। तो अगर देखा जाए तो यहां पर जो स्थिति है, कांग्रेस का जो जनाधार है काफी ज्यादा डाउन हो गया है और बड़ी मेहनत लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा 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 उठ रहा है। आखिर क्या कारण रहा होगा कि आप जैसे वरिष्ठ नेता के होने के बाद भी एक काफी स्तर नीचे गिर गया? ऐसा है कि जातिवाद चरम सीमा पर था, ये गिर गया था। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बताते रहे, लेकिन प्रियंका, माननीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जो आप लोग सोच रहे हैं कि ग्राफ गिर गया है, ग्राफ जो है सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश का चल रहा है। मैंने वहाँ भी देखा, खीरी लखीमपुर देखा, सीतापुर देखा, हर जगह देखते हुए, आज ये बनारस गोरखपुर को देखते हुए सरकार बनेगी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, किसी की सरकार नहीं बननी है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी तय कर देगी। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का झगड़ा नहीं रहता है, दूसरे जैसे भाजपा में झगड़ा मुख्यमंत्री का होता था कि मनोज सिन्हा को जो है मुख्यमंत्री बनाया, बनाने के लिए शपथ लेने के लिए तैयार थे, और एक बाद जोगी जी आ गए, एक गुंडे ही है सब। योगी सरकार में कमी क्या है? योगी सरकार कमी है, ये बहुत झूठे हैं सब, झूठा झूठा से वजह से जो है यह जो है गरीब जनता परेशान है। आज महंगाई, बेरोजगारी, सारी सारे मुद्दों पर जो है हमारी नेता, आज आप जिस सड़क पर खड़े हैं ये सड़क भी योगी सरकार की ही देन है? नहीं नहीं नहीं, ये आपको कौन बता दिया, यह सड़क जो है योगी सरकार की देन हो ही नहीं सकती, इसका निर्माण भी योगी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ है। अरे पहले पता लगा लीजिए, कोई प्लान बनती है, माननीय मनमोहन सिंह के जमाने में हमारे नेता थे आरपीएन सिंह, है
मंत्री थे और तब जो है बना है, ये जो है 4.5 साल में योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया है, बसरते यह जो है योगी सरकार कोई काम नहीं किया है। आपके प्योर मोती बाजार में आई है, इस प्रतिज्ञा यात्रा की अध्यक्षता कर रहे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बड़े भाई इंतखाब आलम जी। इस प्रतिज्ञा यात्रा को लगातार समय से आगे बढ़ा रहे हैं इस ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष एच सी दुर्गेटकर जी, बलराम ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय चंद्रलाल यादव जी और तमाम नजीर जी, अकरम भाई विधायक जी, पिछड़ा वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश ठाकुर जी। अब इसी क्रम में कहीं अच्छे दिन के चक्कर में मत पड़ जाइएगा, नहीं तो फिर 2022 में जब जाएंगे तो दाल रोटी भी महंगी हो जाएगी आपके लिए, सब्जी तो नहीं ही मिल रही है, बहुत कम घरों में सब्जियां बन रही है, जाकर के सत्यापन कर लीजिए। अभी एबीपी न्यूज पर एक दिन एंकर बोल रहे थे रवीश कुमार जी, उनके एंकर घर में जाकर के बता रहे थे, पूछ रहे थे कि इसके पहले आपके घर में करवा थे कितनी मात्रा में आता था, तो हमारी माता है बहने बता रही थी कि इसके पहले हमारे घर में 5 लीटर का डब्बा आता था। अब यह भारतीय जनता पार्टी जो अच्छे दिन का यह भजन करके आई सरकार में, अब वही माता है बहने बता रही थी कि हमारे घर में 1 लीटर का डब्बा आता है, उसी में किसी तरह था से महीनों भर का गुजर बसर करना पड़ता है। कुछ परिवारों की महिलाओं ने तो यह भी कहा कि अब सब्जी को हम लोग पानी में छलकने का काम करते हैं, भाप से सब्जी को बनाते हैं, तेल तो बड़ी दूर की चीज हो गई है हम सब।